हमारा डिपार्टमेंट जो है मतलब इसी तरह की जो महिलाएं उनको न्याय देने के बारे में हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट भी काम करता है। जहाँ तक मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय भी जहाँ शेड्यूल कास्ट की महिलाएं होती है, वीजेंटी की महिलाएं होती है, ओबीसी की महिलाएं होती है, उन लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग देने के संबंध में भी विचार करते हैं। लेकिन जहाँ जो ऐसी पीड़ित महिलाएं होती है उनको मदद करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, जैसे सर इंदिरा जी की जो संस्था है और ये दिव्या जी की जो संस्था है, तो ऐसी संस्थाएं भी हमारे पास लेकर आती है और उनको हम पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास के लिए, क्योंकि वो सबसे पिछड़ा वर्ग है। हाँ, तो मतलब जो अनुसूचित जाति के जो महिलाएं हैं, मेरा मंत्रालय वही काम करता है। हम जो हमारी NSFDC है, बहुत सारी स्कीम्स है, स्किल ट्रेनिंग है, उनके माध्यम से उस महिलाओं को न्याय देने के लिए हमारी कोशिश जारी है। और जिस तरह आज मतलब ये दो संस्थाओं ने मतलब जो महिलाएं बेरोजगार है, जो विधवा महिलाएं है, जो मतलब जिनको अपने घर चलाने के लिए नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी मिलती नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को 101 महिलाओं को 60,000 की स्कूटी देकर एक मतलब उनको अपना एक अपना खुद का धंधा करने के लिए हर रोज 300-400-500 रुपए कमाने के लिए एक अच्छी संधि दे दी है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हजारों महिलाओं को इसी तरह की स्कूटी के माध्यम से उनको एक धंधा भी मिल सकता है। उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और उनको लीगली जो परमिशन देकर मतलब हजारों महिलाओं को जो शहरों में इसी तरह का मतलब महिला ही महिलाओं को एक महिला को ले जा सकती है। और बहुत बार इसी तरह भी कोशिश गड़बड़ होती है कि भाई एक आदमी को जाना, एक महिला को जाना है, तो उनको टैक्सी करनी पड़ती है, ऑटो करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी स्कूटी रहेगी तो अकेले को भी मतलब स्टेशन जाने के लिए, बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती है, उनको 10 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में अपने घर छोड़ने के लिए ऐसी स्कूटी का अच्छा उपयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है भाई ये स्कीम बहुत बड़ी अच्छी है और यहाँ मतलब इंदिरा मिश्रा जी और दिव्या शर्मा जी, इन्होंने मतलब दिल्ली की 101 महिलाओं को मतलब स्कूटी बांटने का प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह की एक बड़ी स्कीम पूरे देश भर में चालू होनी चाहिए, बहुत सारे शहरों में चालू होनी चाहिए, उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।